ये सरकार नहीं चल रही है, सर्कस चल रहा है। एक मंत्री है गोविंद राजपूत जी, जो हमने मीडिया डोमेन में पढ़ा कि उनने 51 करोड़ रुपए का दान ले लिया। ये देश के इतिहास में पहला केस होगा जिसको 50 करोड़ से ऊपर की जमीन दान में मिली हो, और दी किसने? उनके साले ने। साले के पास कितनी जमीन थी? साले जब शादी हुई, जब से लेके ये मंत्री बने, तभी दान मिला। ये एहसास कराता है कि शिवराज सिंह जी ने लूट की छूट दे दी है मंत्रियों को। एक मंत्री है धार में, एक वीडियो वायरल हुआ, हम सब ने देखा, एक महिला ने आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया, और जिस भाषा का उपयोग किया वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है, पर जिस रिसोर्ट में वो घटना घटी वो रिसोर्ट में तोड़फोड़ कर दी। क्या ये सरकार चल रही है कि तानाशाही चल रही है? कृषि विश्वविद्यालय में बीजेपी के अध्यक्ष के ससुर को कुलपति बना दिया। ये भाई भतीजावाद पर विरोध करने वाले रोज मुख्यमंत्री वीडियो विजुअल देते हैं, तब इनको नहीं समझ में आया कि ये भाई भतीजावाद है या परिवारवाद है या आम जनता के साथ न्याय है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां होती है तो एक शिक्षा मंत्री है, उच्च शिक्षा मंत्री, उनके तीन रिश्तेदार लग जाते हैं, उनके भतीजी लग जाती है, विधानसभा अध्यक्ष की बेटी लग जाती है। आखिर मुख्यमंत्री जी आप क्या चाहते हो, इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हो? आपने ये आज तक नहीं बताया। अब एक मंडी बोर्ड में समर बहादुर सिंह शिक्षा विभाग के, उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, उनको मंडी बोर्ड में बना दिया। क्यों? किसी को उपकृत किया गया? मतलब हर तरीके की लूट और उसकी छूट। एक बिजली का बिल 2 महीने नहीं भरे, कनेक्शन कट जाता है, सामाजिक अपमान होता है किसी भी विद्युत उपभोक्ता का। पर हमारे विद्युत मंत्री के भाई का 1.5 करोड़ रुपए का क्रेशर का बिल आ गया, पर शिवराज सिंह जी मौन है। आखिर इस तरह की सरकार, मध्य प्रदेश वासियों ऐसे एक सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। जो मध्य प्रदेश देश में कांग्रेस की सत्ता जब तक रही तो हिंदी की जगह अंग्रेजी को जबरदस्ती बच्चों को पढ़ने के लिए थोपा गया। बीजेपी की ऐसी क्या ही सरकार है जिसने एमबीबीए और इंजीनियरिंग के कोर्स जो है वो बकाया। देश में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा का सम्मान हम सबको करना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रयास किया गया तो स्टंटबाजी है, तो उसके लिए कोई वक्तव्य मेरे पास है नहीं। नियत ठीक है तो प्रयास में कोई बुराई नहीं, पर इसके साथ एक सवाल है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके बच्चे कहां पढ़े, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में? जितने मंत्री हैं इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? जितने आईएएस जिनने इसको बनाया उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में? क्यों जनता को गुमराह करना चाहते हो आप? आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, विदेशों में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, और बाकी लोगों को वोट की राजनीति के लिए अलग अलग स्टंटबाजी करें? दोनों चीजें न्याय नहीं करती। अगर आपकी नीयत ठीक है तो फिर आपके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ने चाहिए। कई बार हम ये खबर दिखाते भी रहे और इस बार भी 4 साल भी मुश्किल, मुझे लगता है 50 दिन भी पूरी तरह से नहीं चला, सत्र पहले ही सत्र अवसान हो गया। तो आप बताएंगे कि सत्ता और विपक्ष की क्या भूमिका होती है सत्र के दिन तय करने में, और अगर ये खत्म हो रहा है तो विपक्ष का क्या दायित्व है उसको? पहले सदन की एक मर्यादा होती थी, विपक्ष का एक सम्मान होता था। जब कार्य मंत्रणा की मीटिंग होती थी उसमें मुद्दे और समय तय किया जाता था। सरकार ने उन सारे नियमों को, परिस्थितियों को, प्रिविजनों को समाप्त कर दिया, परंपराओं का हत्या कर दी। तो मैं मानता हूं ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ये देश में हुआ, ये देश के हर विधानसभा में हुआ, और वही तरीका हमारे अपने मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार और उनने खुद ने भी अपना लिया। मैं स्वीकार करता हूं कि इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे ऐसे नहीं थे जैसे अब हैं। वो एक मर्यादा सहित पॉलिटिक्स करने के थोड़ा एक प्रतीक दिखते थे, अब मर्यादा रहित पॉलिटिक्स करने का एक प्रतीक दिखते हैं। कैसे कैसे बयान देते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, किस किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। शिवराज जी इतने बड़े थे, इतने छोटे हो। सर, जैसे आपने खुद ही कहा, मेरा सवाल यही था कि आपके 15-20 दिनों में उन्होंने 26 से ज्यादा लोगों को सस्पेंड किया, 20 साल से जो सरकार चला रहे हैं वो इस तरह से नायक की छवि अपने आप को, तो वो अपनी छवि प्रतिस्थापित कर रहे हैं या वाकई करप्शन में इतना आक्रंश डूब गया कि हर स्टेज से जाके उनको किसी को सस्पेंड या किसी को निकालना पड़ा? देखो, दो बातें हैं। मुझे पहले भी मैं वक्तव्य दे चुका हूं कि मुख्यमंत्री जी इस तरह गुमराह कर रहे हैं पूरे प्रदेश को। आप 20 साल के 15 साल के 17 साल के मुख्यमंत्री हैं और आप सस्पेंड करते हैं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को,
जो कलेक्टर का काम है वो मुख्यमंत्री करते हैं, जो एसपी का काम है वो मुख्यमंत्री करते हैं। अगर पटवारी को, तहसीलदार को, एसडीओ को, सीओ को कलेक्टर नहीं करता, इसका मतलब अकर्मण्य ने कलेक्टर बिठा रखा है आपने। अब रही बात मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, वो काम करते नहीं, कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, मुख्यमंत्री की कोई कार्य योजना नहीं है। डबल आय की इनकम की बात किसानों के लिए थी, कोई मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट की किसान कैबिनेट बनाई थी वो समाप्त कर दी। तो मुख्यमंत्री को प्रदेश में रोजगार निर्मित कैसे हो, उस पर कोई कार्य योजना नहीं है। हर तरीके की अराजकता, लूट की छूट, भ्रष्टाचार में सर चढ़ के बोलने लगा यहां का तंत्र, उस पर मुख्यमंत्री का कोई लगाम नहीं। कानून व्यवस्था 0/0, सबसे ज्यादा क्राइम की राजधानी बना तो मेरा प्रदेश बना, पर मुख्यमंत्री को स्टंटबाजी करना है, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को बर्खास्त करना है, और करप्शन में 300 से ज्यादा मुकदमे सरकार की अनुमति के लिए प्रत्याशित है, उन पर अनुमति भ्रष्टाचार के मुकदमे लगाने की नहीं देना। दोहरा चरित्र मुख्यमंत्री का खराब है। वो चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, अतिथि विद्वान हो, चयनित शिक्षक हो, कैसे कैसे भाषण दिए गए थे इनके लिए, और क्या स्थिति बनी पिछले 3 साल में उनके लिए, सर्वविदित है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पीएससी के चयनित अभ्यर्थी रोज आंदोलित करते हैं, डंडे खाते हैं, जेल जाते हैं, संदिग्ध हो गए हैं, और सरकार मौन है। शिवराज सिंह जी केवल रोज वीडियो विजुअल बनाते हैं। आयुष के कर्मचारी परेशान है। पुरानी पेंशन को लेकर जो सरकार ने हठधर्मिता की, देश की सरकार ने भी और प्रदेश की सरकार ने भी, वो लोग आंदोलित है। हमने निर्णय लिया पुरानी पेंशन हम लागू करेंगे। ऐसे बिजली के कर्मचारी, हर तरीके के कर्मचारी भी अपने आप में पीड़ित और दुखी हो गए हैं, जो तंत्र को और राजनीति को चलाते हैं, प्रदेश को चलाते हैं। अब इन्वेस्टर मीट की तैयारी, पिछली बार कितनी इन्वेस्टर मीट हुई, कितना खर्चा हुआ, कितने रोजगार मिले, कितनी इन्वेस्टर मीट के माध्यम से अलग अलग उद्योगों को जमीनें दी गई, उनमें कितना काम हुआ, सब प्रश्नों के उत्तरों से सर्वविदित हुआ कि रोजगार के मामले में 0/0। जो इन्वेस्टर मीट 286 कंपनियों को जमीनें दी गई, उन जमीनों का क्या हुआ और अल्टीमेटली प्रदेश का क्या लाभ हुआ, आज तक ये सरकार नहीं बता पाई है। मैं मानता हूं 53,000 करोड़ रुपए का मेरा प्रदेश कर्जे में आ गया है, और चूंकि ये कर्ज लेकर इवेंट करना शिवराज की प्रकृति का हिस्सा बन गया, काम करने के तरीके का हिस्सा बन गया है। तो जो प्रदेश कर्ज के गले गले नहीं सर चढ़ के कर्ज बोल रहा हो, और फिर भी इवेंट और इन्वेस्ट के नाम पर फिजूल खर्ची की जा रही हो, ये सवाल विधानसभा के सदन के हैं। कर्ज के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार श्वेत पत्र लेके आए, ये कांग्रेस पार्टी चाहेगी, मांग करेगी, और साथ ही साथ कर्ज को लेकर भी मध्य प्रदेश के हालात क्या हैं, इन्वेस्टर मीट के माध्यम से मध्य प्रदेश को क्या मिला और क्या गया, इसको लेकर भी सरकार सदन के माध्यम से प्रदेश को अवगत कराएं। ये कई मुद्दे ऐसे चल रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि सारी बातों के बाद भी जो शिवराज सिंह जी के काम करने का तरीका है, शिवराज सिंह जी का के लूट की छूट की सरकार चलाने का तरीका है, मध्य प्रदेश इससे गर्त में जा रहा है, और मध्य प्रदेश चूंकि गर्त में जा रहा है तो विपक्ष का धर्म है, दायित्व है कि अपने धर्म का पालन करें। हम मुखरता से अपनी बात रखेंगे। चूंकि मैंने शुरुआत में कहा कि सदन नहीं चलाना चाहती सरकार, और सदन न चलाने में अध्यक्ष जी की भूमिका भी संदिग्ध है। कहा है कि फिल्म निर्माण के लिए सभी का मध्य प्रदेश में शूटिंग के लिए स्वागत है, लेकिन इसके पीछे अभी टर्की की शूटिंग हो रही थी, वहां पर बजरंगी दल करने उसको जबलपुर में रोका उसको, उसके बाद सारे विरोध कर रहे हैं महात्मा, मतलब कथावाचक आपके मोहन यादव, मतलब जो इस सबके बीच में, जबकि उसके बाद कहना है गृहमंत्री की सबका स्वागत है। दो बातें अलग अलग है। गृहमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायक अगर किसी फिल्म पर आपत्ति या विरोध दर्ज कराते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सेंसर बोर्ड बनाया है, सेंसर बोर्ड में नियुक्तियां की है। अगर नियुक्तियां सही नहीं है तो फिल्म प्रसारित होने से पहले न्याय नहीं करती है, इसका मतलब है कि उन्होंने गलत नियुक्ति की है। तो जो बीजेपी के नेता है उनको तो अपने आप का खुद का आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम बुद्धिमान या नरेंद्र मोदी, तो वो आपस में तय करें कि नरेंद्र मोदी गलती कर गए कि ये गलती कर रहे हैं, या ये सही है या नरेंद्र मोदी सही थे। मैं इस पर अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता। जहां तक कथावाचकों का या महात्माओं का सवाल है या कोई धार्मिक लोग हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, मैं मानता हूं कि समाज में हर
आवाज का लोकतंत्र में जगह है, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सर, इसके साथ में एक सवाल रहेगा।